हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैना है और मैं एक 23 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं गुजरात में रहती हूँ और वहीं से रहकर मैं BSSSC कर रही हूँ। मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, इसलिए कॉलेज के बहुत सारे लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे मेरी दोस्ती कुछ ऐसी लड़कियों के साथ हो गई जिनके बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाले थे। ऐसे में मेरी सभी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोज़ाना बाहर घूमने जाती थीं और वह वहाँ जो भी करती थी उसके बारे में आकर मुझे बताती थी, जिसे सुनकर मेरे भी दिल में कुछ कुछ होने लगता था, क्योंकि मेरी उन दोस्तों ने मेरी उम्र की ही थीं, ऐसे ऐसे कारनामे कर लिए थे जिनके बारे में मुझे अभी तक सही से पता भी नहीं था। वह महीने में 3-4 बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती थी, जिसकी पूरी कहानी वह आकर मुझे बताती थी। हालांकि मेरी एक दो दोस्त ने मुझे कहा भी कि अगर मैं चाहूं तो वह अपने बॉयफ्रेंड के किसी दोस्त से मेरी दोस्ती करवा सकती है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर अंदर ही अंदर अब मेरे दिल में भी यह भावना जागने लगी थी कि मुझे भी एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। और मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद भी था, लेकिन वह लड़का बहुत ही अलग स्वभाव का था। वह मुझे देखता तो था लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करता था, और मैं भी उस लड़के से बात करने से डरती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि एक दिन मुझे किसी काम से बाजार जाना पड़ गया। उस दिन मेरे साथ मेरी एक सहेली भी गई थी, क्योंकि उससे अगले दिन मेरी उस सहेली का जन्मदिन था, इसलिए हम दोनों बाजार से उसके लिए शॉपिंग करने गई थीं। शॉपिंग खत्म होते होते रात हो गई थी और मेरी सहेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर के लिए निकल गई। उसने मुझे भी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए पूछा था, लेकिन मैं किसी अनजान लड़के के साथ उसकी गाड़ी में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। पर जब मैं अपने घर की ओर आ रही थी तो मैंने देखा कि मेरे घर की तरफ जो राह जाता है वह रास्ता बहुत सुनसान था और रात भी बहुत हो चुकी थी। ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने उस दिन जीन्स टॉप पहन रखा था, जो मेरी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। फिर मैंने अचानक देखा कि मेरी गली के कुछ लड़के चुपके से मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलने लगी, लेकिन वह लड़के भी जल्दी जल्दी मेरे पास आते जा रहे थे। अब मुझे उन लड़कों की मंशा पता चल चुकी थी, इसलिए मैं दौड़ने लगी। पर उन लड़कों ने मुझे थोड़ी दूर जाकर पकड़ लिया और मेरे मुँह पर हाथ रख दिया, जिससे कि मैं चीख नहीं पाई। फिर वह लड़के उठाकर मुझे एक घर के अंदर ले गए। वह 4 लड़के थे। उन लड़कों को देखकर मैं समझ गई थी कि आज मेरी इज्जत तार तार होने वाली है, लेकिन मेरे पास उनसे बचने का कोई उपाय नहीं था। वह मुझे देखकर हंस रहे थे और बोल रहे थे, बहुत दिनों से भाव खा रही थी, हाथ ही नहीं लग रही थी, हम तो तुम्हें प्यार से पाना चाहते थे, लेकिन तुमने ही हम लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन तभी मुझे एक आइडिया आया और वही मेरे पास आखिरी रास्ता था। मैंने उन लड़कों से कहा, तुम जो करना चाहते हो उसके लिए मैं तुम्हें रोक तो नहीं पाऊंगी, लेकिन देखो तुम लोग 4 हो और ऐसे में मेरे साथ तुम में से पहले कौन अपना काम पूरा करना चाहता है, यह बता दो। वह लड़के मेरी इस बात को सुनकर पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर उनमें पहले मैं की लड़ाई होने लगी। उसी लड़ाई में उन लोगों का ध्यान मुझ पर से हट गया, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं जल्दी से उस घर से बाहर आकर मैंने उस घर को लॉक कर दिया। फिर वहीं खड़ी होकर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी चीख सुनकर उस घर के पड़ोसी भागते हुए वहां आ गए। मैंने उनको पूरी घटना बताई तो उन लोगों ने पुलिस बुलाकर उन 4 लड़कों को पकड़वा दिया और मुझे घर पहुंचा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।